Irish. Looks like it. यहीं पे तो आता है, ऑप्शन नहीं आ रहा अपने तो हाईलाइट शेयर इनेबल फ्लैश नहीं आ रहा अपने ना कोई बात नहीं। वहाँ से शुरू करो सर। ऑन है सर। सर यूट्यूब लाइव हो रही है ना? लाइव हो यूट्यूब है। अच्छा लाइव करा दिया। ठीक है बस एक काम करना, इधर आओ इसको चलना। The man, the human subject.
water and water. Thank you. Thank you. Good afternoon, sir. Good afternoon, good man. My name is Lavan Sad Lip and I am studying in Malvindra Mehta Vidya Bhavan School Education Academy as my second shift. I have made इतना angle. पूरा वहां तक लेके जाओ इक्वल टू 90 डिग्री राइट एंगल लेस देन 90 डिग्री इज आर टू एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज आर टू एंगल इक्वल टू 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री इज स्ट्रेट एंगल greater than 180 degree and less than 160 degree is reflex angle. Equal to 160 degree is full portion angle. Thank you. Loud. All speakers.
सर ये हो जाएगा सर 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 इसे सीधा करना है इसको रोटी डिवाइस देगा ना इधर भी ले जा सकता है जहाँ जजेज हैं वहाँ पर ADM, DB, equals to
से बोलो लाउड लाउड बोलो मैम थोड़ा लाउड फाइन प्रेजेंट इन द बारो हां आई हैव आने लगे तो मतलब परेशान करो जब तक प्रिंसिपल ना आए तब तक
थोड़ा ना लाउड है, लाउड आवाज़ आनी चाहिए यहाँ पर। अरे जो आप चुप हो जाते हैं। बोल क्या बोल। वेरी गुड। वेव करना है चलेगा। डोंट वरी, अभी रूल्स बताएंगे।
ध्यान से सुनना जो बता रहे हैं, ओके। लाउड वो अपना करते रहेंगे, अब यहाँ कंटिन्यू। ये नहीं वो उनका चल रहा है ना, जहाँ वो फोटो क्लिक कर रहा है ना। हाँ हाँ फायर वाला होता है, उसे जब आया होगा आपने उस पर कितना क्वेश्चन लगा। इसमें 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 और एआई भर सकते हैं, जैसे ड्राइवर अगर ड्रीम करके चला रहा है कार, तो हम इसमें यही चीज का उसका वो तो जो फ्लो है अल्कोहल का, वो तो बहुत तेज आवाज में चीज है, जो नीला ब्लो ब्लो होता है।
तो बोल क्यों नहीं रहा, बोला यार, बोला upon the 8, the reciprocal of this is 4 times.
Okay. I will do it again.
मैम सम लाइंस सी दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट वन आई हैव एवर सीन एंड इन माय चाइल्ड आल्सो आई थॉट ऑफ लर्निंग व्हाट इज द प्रोसेस फॉलोड इन दिस वन नाउ आई विल सिट विद द तन्वी एंड सृष्टि अंडरस्टैंड व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट्स वंडरफुल मैम सम मोटिवेशनल लाइन फॉर दिस motivation line is just keep on making such great as it gives us chance for us also to learn good thank you ma'am देखिए कितनी तगड़ी आई है मैम आप कुछ कहना चाहोगे इस पे Thank you.
होटल यहाँ चेक कर लिया मैंने रैन को तुम्हारा पे कभी नहीं है हाँ भाई प्रेयर रैन वाले हो ना आप लोग लाइव हो आप ओके क्या कर रहे हो आप लोग जहाँ भी हो ढूंढो तुम लोग ये डिवाइड कर लो सारे एक साथ नहीं करेंगे एक समोसा कर लो एक ग्राउंड के चक्कर लगा दो और एक से मर जाएंगे इतने सारे डिवाइड कर दो एक बच्चा कुछ करेगा एक बच्चा कुछ करेगा तीन बार ऊपर नीचे चल भाई अब जाओ सुमन मैम के पास कल से क्या बोला अभी कहीं नहीं हो पास कराते हैं अपना काम कर दे पास करो उसके बाद दे देना क्या बोला क्या बोला गाँव के दो चक्कर लगाओ फिर एक समोसा लेके आओ ठीक हो समोसा देना था किसको Thank you.
ये ये जो आप लोग टास्क ये करवा रहे हैं ये क्या है इसे एक्सप्लेन कीजिए। हम लोग एक ट्रेजर हंट करवा रहे हैं बेसिकली अपने स्कूल में। जी जी, हम बेसिकली एक ट्रेजर हंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। इस ट्रेजर हंट में बच्चों को रिडल्स ढूंढ के रिडल्स को फाइंड करके अपने क्लू तक पहुंचना है और आखिर में जो पहुंचेगा उसको ये चीज प्राइज मिलेगी क्योंकि आखिर में बच्चे स्कैंडर हो जाएंगे। और ये जो चीज़ है ये बिल्कुल आसान नहीं होने वाली है, ये बहुत ही डिफिकल्ट होने वाली है, लेकिन एक टीम है टीम थ्री जो लास्ट राउंड तक पहुंच गई है। बस अब हमें उन्हें थोड़ा सा परेशान करना है और उसके बाद प्राइस उनका। इसका फंक्शन और प्रोसेस क्या है? इसका फंक्शन तो बेसिकली बच्चे कोऑपरेशन सीखेंगे, जो बच्चे साथ में जिनकी बनती नहीं कुछ नहीं वो लोग आज उनके साथ मिलके इतने सारे हिंट्स ढूंढ रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं। तो इस चीज़ का यही मोटिव है कि सबके अंदर एक कोऑपरेशन है और बच्चों और जो आप टीम बिल्डिंग बढ़ेगी, टीम बिल्डिंग बढ़ेगी। हाँ, और इससे आपका थोड़ा माइंडसेट भी होगा क्योंकि एक्सरसाइज भी होगी, माइंड की एक्सरसाइज, माइंड की एक्सरसाइज ढूंढ रहे इन बच्चों के लिए। कुछ मोटिवेशनल लाइंस इन बच्चों के लिए यही मोटिवेशनल लाइंस है कि ढूंढो और अपने प्राइस तक पहुंचो बस। ओके, थैंक यू, थैंक यू। आप बताइए जरा हिंट। नहीं नहीं नहीं, जल्दी 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 प्रियांशु दे दो, दे दे भाई पक्का। अरे हां भाई, हां हां, नहीं नहीं नहीं, मत दे मत दे मत दे, प्रियांशु कर मैच कर। ओए कैमरा मेरी तरफ कर। फुसलाओ फुसलाओ फुसलाओ, अच्छा एक क्वेश्चन, अल्बर्ट आइंस्टीन को नाम क्या था? लेकिन अभी मेरा मन नहीं है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, ये मेरे पास दोबारा लेके आओ, जाओ फटाफट जल्दी। भाई मैं समोसा दिखाऊंगा भाई, ब्रांच को क्या है ब्रांच चटनी गिर जाती है अभी पूरा बता।
अरे बहुत आगे कुछ चलती है और टीचर्स मैंने बोला ना जो ऑफिस है उससे सीधा जाओ सारे टीचर्स जो यहाँ पर दिख रहे हैं बोलो तू नीचे होता नीचे होता तुमने नीचे होता रंजू प्रियांशु पता कितने रुपए चाहिए भाई रुपए नहीं चाहिए मांग ना ना ऐसे कैसे कोई बात नहीं भाई मैम कुछ लाइन मैम लाइव कुछ लाइन में रहेंगे बस प्रीमियर टू बोर्ड में बोर्ड में भी लाएंगे मैम कैंसिल बोर्ड से भी लाएंगे मैम फुल लाएंगे फुल अरे हिंट मैम नहीं देंगे सर ही देंगे कुछ बोलो वेरी गुड ऑल द बेस्ट फॉर द मोजार्ट थैंक यू बोल उन्हें मेरे पास दे उन्हें मेरे पास दे हिंट दे रहा हूँ एक सेकंड पहले भाई नहीं ना ना कोई नहीं अरे नहीं नहीं भाई बोल दे हाँ कुछ लाइंस प्रेजेंट सर इस मुजैक के ऊपर नो नो मुजैक मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड एसएसटी ओके वेरी गुड सो हियर इज इट हियर इट इज कोने में नो नो वी डोंट हैव बैठ ओए देख ले भाई ऐसा मत कर मेरे पास है भाई मेरे पास है मेरे पे ये पता है भाई बोल ले गए कौन बोल ले गए हेलो ये आपने क्या बनाया है बस पे ये क्या करते हैं अच्छे से बोलो क्यों लगाएंगे उनको फटाफट देके यार निकाल प्लीज हिंट रुको 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 क्या ये मेरे को पेज दे दो और वो आएंगे तो उन्हें क्या बोलूँ मैं उनको उनको बोल रहा हूँ क्या हो गया भैया मेरा हमारे भैया दिस इज ऑल ये ऐसा है कि
हाँ एक्सप्लेन करो सर। सर ऐसा है कि अगर बारिश हो रही है हम बाहर घर के बाहर जैसे हम बारिश हो रही है हम घर के अंदर मतलब बाहर कहीं गए और अचानक से बारिश थोड़ा तेज बोलो सुनाई नहीं रही थोड़ा बारिश इसके अंदर हो जाएगा मतलब बारिश इसके अंदर जैसी मतलब बारिश हो रही है हम बाहर गए ठीक है बारिश हो रही है अरे चैनल का नाम क्या है ऐसे मॉडल गया चैनल का घर के हम बाहर हैं कपड़े अपने आप अंदर चले गए कपड़े अपने आप अंदर चले गए और जैसी बारिश खत्म हुई समझ लो सन की हो गया धूप आ गई और बारिश कपड़े अपने आप बाहर अब इसके अंदर मैं आ रहा हूँ याद नहीं किसके बाद आएगा भाई ये आर्डिनो आर्डिनो ये वायरिंग इससे काम ये सब ओके थैंक यू थैंक यू ये चैनल का नाम क्या है एक्सप्लेन एक्सप्लेन योर मॉडल प्लीज थैंक यू सर 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 आपका एक्सपीरियंस भाई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है किड्स आर वेरी इंटेलिजेंट दे वर्क वेरी वेल ऑन द प्रोजेक्ट्स एंड आई विश देम वेरी वेरी गुड लक फॉर द स्टडीज कुछ प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं दोज हु कैन चेंज द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री आल्सो सम हायर कंपटीशन थैंक यू सर आई विश देम बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सर थोड़ी लगा एक्सप्लेन कर रहा एक्सप्लेन तेज 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 क्या है ढूंढो ना ढूंढो चलो लाउड लाउड बोलो किसी बटन से ऑन और ऑफ और ये सर्कुलर मोशन
लाउड बोलो, लाउड आवाज कैसे आएगी इसके अंदर? लाउड बोलो, लाउड 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 बना रहे थे जब विंड की काइनेटिक एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और उससे हम बल्ब वगैरह जला सकते हैं, जैसे कि अभी घर में जला। थैंक यू। राघव
कॉलेज ज्यादा बन जाइए ओके ग्रेट उसके नेबर कंट्रीज कौन है और कौन से ओशियंस उसके नेबर कंट्रीज उनका नाम क्या है पॉपुलेशन चाइना बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो नाम निकाल रहे देखो मैम देखो नहीं बोल रहे हो बबल नहीं आए इन्हों काम नहीं कर रहा है निकल गया ना कोई बात गुड वेरी गुड कोशिश तो कर रहे हैं बच्चे उसमें अच्छी बात है उसमें गुड गुड सर
Thank you, ma'am. Thank you. Same to you. Same to you. Thank you. सर प्लीज तो सर से हमारा जो है इनके बच्चे दो बच्चे जो है हमारे साथ स्कूल में पढ़ते हैं और ये हमारे जो प्रिंसिपल मैम हैं उनके हस्बैंड भी हैं तो हम जो हैं आज जो है ये एज अ पेरेंट इस एग्जीबिशन में आए हैं तो सर आपके दो मोटिवेशनल शब्द और आपको कैसा लगा आपके क्या एक्सपीरियंस आपका रहा बहुत अच्छा मोज़ेक है आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे इसमें बताई है बहुत अच्छे बजट से और जहाँ पे ग्रीवेंसेज हैं मतलब कि इम्प्रोवाइजेशन के चांसेस हैं नहीं सर बिल्कुल वही हमारा फीडबैक है क्योंकि जब कुछ इम्प्रोवाइजेशन के लिए हमको फीडबैक मिलेगा तभी अगली बार बेहतर कर पाएंगे कुछ प्रोजेक्ट तो इतने अच्छे हैं कि अगर वो प्रोजेक्ट आप लॉन्च करते हो तो इकोनॉमिकली आल्सो दैट कैन बेनिफिट टू दी सोसाइटी मतलब इनोवेटिव आइडियाज और इनोवेटिव आइडियाज से दैट इज वेरी गुड हैज टू बी टेकन केयर ऑफ आप लोग और उसमें देखा अपना इन्वेस्टमेंट दे टाइम का That will help kids also, as well as they will make them entrepreneur. जी जी शुरू और अभी हमारे देश को कुछ विकास तो कर रहे हैं हमें ये सभी आपके एंटरप्रेन्योर से याद आया कि पिछले दिनों आपका के टी एस कालका पब्लिक स्कूल है हमारा एक इवेंट था शार्क टैंक जो टी वी में भी आता है तो उस तरह का एक इवेंट था तो हमारे यहाँ से एक बच्चे जो है एक मॉडल लेके गए थे प्रोटोटाइप बनाया था वो ए सी का जो वाटर यही था हाँ कम कम राघव वॉज वन ऑफ द मेम्बर ही विल एक्सप्लेन क्या था वो मॉडल आपने मॉडल लेके नहीं आया वट वॉज अवर मॉडल तो एक्चुअली बहुत गर्मी होती है वहाँ कई जगह पे पानी की स्कैसिटी भी होती है तो सर पानी की स्कैसिटी होती है तो हमने क्या करा हमने एक एसी बनाया जो पानी की प्रॉब्लम भी सॉल्व करे कैसे सर एक्चुअली हमने क्या करा था जो एक स्ट्रक्चर था हमारा रेक्टेंगुलर और क्यूबॉइडल शेप का पीछे से उसमें से एयर आएगी और सर एयर आपको पता है कि ह्यूमिडिटी कंटेनर तो सर अंदर हमने कॉइल लगाई थी वो कॉइल की उस कॉइल के अंदर प्रेजेंट था लिक्विड हीलियम लिक्विड हीलियम सर लिक्विड हीलियम बहुत कोल्ड होता है सर लिक्विड हीलियम बहुत कोल्ड होता है तो इसलिए जो एयर हमारी बाहर से आई है वो कोल्ड होके आगे से निकल जाएगी और सर आगे से कोल्ड होके निकल जाएगी और जो हमारा मॉइस्चर है
वो थोड़ा ह्यूमिड होता है तो वो उसको ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे एसी से पानी निकलता है, एसी से पानी निकलता है तो ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करते हैं। आपने गैस भी इस्तेमाल किया सर? हमने गैस के साथ लिक्विड हीलियम यूज करा है और सर जो वो ड्रॉपलेट्स निकलेंगे वो थोड़े लार्ज क्वान्टिटी में निकलेंगे, क्योंकि लिक्विड हीलियम जो होता है वो बहुत कोल्डनेस होता है, उससे ज़्यादा कोल्ड एलिमेंट कुछ है ही नहीं, तो सर वो लिक्विड हीलियम निकलेगा। फिर हमने सर वो जो वाटर निकलेगा वो नीचे आके फिल्टर हो जाएगा मिनरल पाइप्स में से, वो एक अच्छा पीने योग्य पानी पोर्टेबल वाटर बन जाएगा। जो एसी से पानी निकलता है ना सर, उसी को हम ठंडा करके और पीने योग्य बनाते हैं। प्राइस अगर शार्ट टाइम वहाँ पे जो है मतलब 40-50 की कीमत मिनिमम रही होगी, तो बेस टू थर्ड। और अभी एक टीम और थी हमारी, मैं आपकी इनोवेटिव आइडिया कह रहा था, और आगे कितना बढ़ा था हीलियम का कॉस्ट कितना पड़ रहा सर? हीलियम का कॉस्ट एक्चुअली हीलियम हमने इम्पोर्ट करवाने की सोची थी रशिया से, क्योंकि सर इंडिया में अभी लेकिन वहाँ यूक्रेन और रशिया लाइटर नॉट नहीं, एक्चुअली वो प्रोटोटाइप है अभी, क्योंकि जहाँ पे जिस कॉन्टेस्ट में वहाँ पे जो जजेस थे उन्होंने बहुत सारे उनको आइडियाज़ दिए हैं और बहुत सारे जो उनको छोटा मोटा लगा। एक चीज़ ये डिस्कस करना भूल गया है आपको, जो ये कॉनिकल शेप में जो हवा आने वाली बात है वेंचर इफेक्ट, वो हवा महल से जो है हमने थोड़ा सा आइडिया लिया है, जहाँ से विंड एंटर करेगी वो वाला पोर्शन हमने कॉनिकल रखा है, नीचे छोटा हो जाएगा तो जहाँ से एंट्री करेगी, जहाँ से वो एयर एंट्री करेगा वो वाला थोड़ा ज़्यादा हवा को फिर पूरा बॉटल नेक करके आपने एक जगह से उसको करना शुरू कर दिया, पहले कंप्रेस हो जाएगी तो हीलियम के प्रभाव में आके वो और ज़्यादा कंप्रेस होके अपना लिक्विड इफेक्ट डाल के अपना पानी बना के और हवा भी ठंडी दे देगी। तो उसमें तो अगर आपका ये प्रोजेक्ट हो जाता है सही सही बात तो यू डोंट रिक्वायर गैसेस विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह और सर एक्चुअली जो हमारा ये ए सी है वो क्लोरोफ्लोरो कार्बन रिलीज नहीं करता सर, क्योंकि जो नॉर्मल ए सीज होते हैं वो क्लोरोफ्लोरो कार्बन रिलीज करते हैं सी एफ सी, जो कि ओजोन लेयर को रिलीज करते हैं। और एक और आइडिया इन लोगों का था, वो अभी हमारे बच्चे यहाँ है नहीं, दे केम अप विद अ लाइक मिल्क शेक दीर्घायु उसका नाम था, तो उसमें दे आर यूजिंग दिखाया था उसमें वो, हाँ यहाँ पे अवेलेबल था ये इधर वाला, उसको मैंने ये चीज़ बोला कि इसको जो हब्स वगैरह डाल हब्स है तो हब्स के बारे में आपको लिखना या फिर उसको बताओ कि हाउ दिस आर मेरी बेनिफिशियल, पता लगा साइड इफेक्ट हो गया किसी चीज़ का और वो जैसे रूरल साथ के साथ प्रीकॉशन सॉर्ट ऑफ प्रीकॉशन भी होगा। तो ये था तो ओवरऑल आई थिंक हमारा भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, जो हमें संतुष्टि मिली, देखिए थोड़ा बहुत तो यूजफुल रहा होगा जैसे आपके उसके बारे में बात करेंगे, पर जो लगा मुझे दैट इज़ लाइक एक्सप्लेनेशन ये है कि स्टूडेंट्स दैट व्हाट दे आर मेकिंग, क्या बनाया है उन्होंने, क्या वो काम कर रहा है, ये मुझे लगता है सबसे बड़ी सक्सेस है कि जो उन्होंने बनाया उनको ये पता है कि वो क्या है और कैसे काम करता है, कैसे करता है, तो ऐसा नहीं है कि दे आर गोइंग एंड बाइंग द नूडल्स फ्रॉम द शॉप एंड अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हाँ तो ये था, कीप डूइंग इट, थैंक यू, सेम मोटिवेशन। तुषार सर, सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके बच्चों ने आपके पैटर्न में अच्छा काम करा है और बढ़ा दो उसको, आप बता नहीं सकते ठीक हो, बस आप सर ऐसे ही बच्चे और पेरेंट्स अगर आते रहेंगे और मोटिवेट करते रहेंगे बच्चों को तो इसलिए, और आपने जो बताया है उस पर हम जरूर जो है कर लियो, पेरेंट्स वगैरह डाल के ना उसमें आराम से करते हैं, काम जरूर करेंगे सर, गौरव सर हमारा रहेगा ठीक है, मुझे एक के सामने आ रहे ठीक है, विल टू राघव विल टू वो करा दो, सबसे बढ़िया चीज़ है वो, तो एनवायरमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा टेंशन दूर हो जाएगी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, तो भाई हमारा जो ये मोज़ेक एक्टिविटी थी
आ जाओ भाई आप इधर आ जाओ। तीन दिन का हमारा जो है मोजेक एक्टिविटी था, सोशल साइंस फेयर हमारा जो है बलवंतरी बाइका विद्याभवन अंगूरी देवी शेषी में पूरी अकेडमी से एक्टिव, उसमें हम जो है साइंस और सोशल साइंस को मिक्स करके हम एक कल्चर एकेडमिक इवेंट जो है हम करते हैं एक्टिविटी ऐसा। तो हमारा तीन दिन का प्रोग्राम था, 1920 को हमने एक एकेडमिक एक्टिविटीज दी जिसमें वो भी हम लोग पिछले दिनों लाइव गए थे और उसकी वीडियो जल्दी आप लोगों को स्कूल के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होगी। तो वो सारा हुआ है एंड आज जो है इसका फाइनल डे था जिसमें एग्जीबिशन का जो आप लोगों ने देखा, एंड थैंक यू ऑल द पेरेंट्स जिन्होंने कोऑपरेट किया और बच्चों का तो हम कभी भूल नहीं सकते बिकॉज दिस इंटायर शो वॉज फॉर द स्टूडेंट्स ओनली, उन्हीं का था, कंडक्टेड बाय स्टूडेंट्स, उन्हीं का था। बीच बीच में इन लोगों ने एक ट्रेजर हंट इवेंट भी जो है की है प्रियांशु तुलिका एंड प्रतिभा, तो इन लोगों ने भी किया, तो सारा इवेंट ही लोगों का था। एंड यस स्पॉन्सर्स की तरफ भी एक बार हम जो है आपको दिखाना चाहेंगे, स्पॉन्सर्स को भी हमारा धन्यवाद, ये मॉडल हम जो लोगों ने बनाई है, हाँ एडू जोन क्लासेस एंड रॉयल रॉय फार्मेसी, यस दीज आर आर स्पॉन्सर्स। ठीक है, तो ये हमारा मोज़ेक ज़ोन है, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से, थैंक यू सत्यम बिहाइंड द कैमरा, कैमरा के आगे ले लेते हैं, अरे जाओ जाओ अब ये तुम सारे ही कैमरे के आगे आ जाओ और बता दो भैया जो तुमको कहना है, भाई साहब करना एक्सपीरियंस क्या था, आप तुम लोग को शेयर करो, एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था, हमें लगा था कि सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स थकेंगे लेकिन हमें क्या पता था हम भी थक जाए, बाकी पेरेंट्स टीचर्स सबसे हमें ओवरव्यू लेके उनका फीडबैक लेके बहुत अच्छा लगा, और ट्रेजर हंट लगता है कि सबको ही पसंद आया, हाँ। वैसे तो क्योंकि हमने कराया इंटरेस्टिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग, तो अगली बार ट्राई करेंगे कि इससे भी अच्छा कर सके, हाँ। इस चीज़ को और मॉडिफाई करके हम ट्राई करेंगे कि और बेटर कर सके, ये हमारा फर्स्ट टाइम था इसलिए अभी हमने जैसा हम कर सके अपना बेस्ट दिया, अपना बेस्ट दिया, और सत्यम का तो कह रहे हैं उसने तो चार चांद लगा दिए लाइव, हाँ। उसने ना ये ट्राईपॉड पकड़ा था, ये दिख रहा है तुम्हें ये, तो सर फिर वाइंड अप करते हैं, थैंक यू बोलते हैं एक बड़ी आदर सर, अभी जो ट्रेजर हंट वाली टीम है, हाँ उसको जल्दी से बुलाओ जो जीती है वो यहाँ पर आके, सर टीम जो है वो नहीं जीती है सर, टीम जो है मेंबर्स है ना वो अलग हो गए, रिद्धिमा जीता बोल जीत चुकी है, रिद्धिमा का ये जी सर, रिद्धिमा को बुलाओ, फिर वाइंड अप करते, रिद्धिमा रिद्धिमा को गिफ्ट देना, आ जाओ बेटा, वेरी गुड। तो ये हमारे ट्रेजर हंट के जो विनर है, ट्रेजर हंट के विनर, यस फाइनली वो है हमारी रिद्धिमा शर्मा फ्रॉम 10th एच, ये हमारे ट्रेजर हंट के विनर है रिद्धिमा शर्मा फ्रॉम क्लास 10th एच, सर आप ही क्लास के जिसके क्लास टीचर है तुषार सर, ठीक है ओके, तो इनका प्राइस कहाँ है सर, प्राइस अभी ला रहे हैं हम लोग, प्राइस ले आओ, ट्रेजर प्राइस समोसे में, हाँ समोसे जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, so please share your experience Ridhima, zoom some experience please. I have come to dislike the treasure hunt team very much, mask please remove your mask please, ye halat kar di, koi baat very good, ha ye mehnat kya pal hai, jo hai iska gift do jaldi se ab khatam kar isko, ha feedback experience, I have come to dislike the treasure hunt team very much. Then? They've cost me 30 samosas. No, 3 samosas. It cost 30 rupees. It cost 30 rupees. So I will not take any prices than that. Thank you, Ridhima. Gift time, gift go. Bhaiya, ta time. Aa raha, sir, aa raha. भाई मोज़ेक सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है, और थैंक यू सारे टीचर्स, स्पेशली थैंक्स टू सोशल साइंस डिपार्टमेंट, ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो थैंक यू है हम सबके एंड से वो है हमारी सोर्स ऑफ नॉलेज प्रिंसिपल मैम, आगे की उनकी गाइडेंस और सपोर्ट के बिना जो है कुछ हमारा हो ही नहीं सकता है, हम इसके बारे में ऑब्वियसली, तो शी इज़ लाइक आ गाइडिंग फोर्स बिहाइंड ऑल आर एंडेवर्स, एंड थैंक यू मैम, एंड थैंक यू ऑल द टीचर्स एंड योर स्टाफ बच्चे, थैंक यू टू द स्कूल मैनेजमेंट कि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम इतना बड़ा शो सक्सेसफुली कंडक्ट कर पाए,
थैंक यू और स्पेशल थैंक्स टू ग्रुप डी एम्प्लॉयज रिधिमा ग्रुप डी स्टाफ है उन्होंने सब अरेंजमेंट करने में हमारी हेल्प की है और सारे बच्चों को थैंक यू वेलकम सर वेलकम सर रिधिमा भाई खोल के दो गुडर एंड ये है बेटा आपका ये इसके अंदर मैदा क्यों नहीं है इसके अंदर आपके 3 समोसे हैं ठीक है खोलते जाओ मुझे पता है वो भी नकली वाला सुनना अबे हेडफोन है बहुत हां मिल रहे हैं ऐसे यार के इधर सामने का भाई क्या मिल रहा है मैं कहा था इसके जाने के लिए तू चौक जाएगा क्या मिल रहा है भाई ये टॉपिक आ रही है पहले प्लीज क्राउड मत लगाओ ओ माय गॉड ओ माय गॉड फीडबैक ऑफ दिस बोट हेडफोन्स भाई दिखाओ दिखाओ यहाँ पे दिखाओ यहाँ पे दिखाओ यहाँ पे रिधिमा भाई हेडफोन दे भाई तूने चलो भाई बोट रोकस इधर देखो सारे ट्रेन से बाहर जाओ डन टीचर्स का सर आप भी तो आ जाओ सर गौरव सर गौरव सर सर इसका क्या करना है सर कर दूं नहीं नहीं टीचर्स को नहीं लेके अच्छा अच्छा तो सर थोड़ा पीछे लेके जाना टीचर्स को हां बैटरी लेना बैटरी अच्छा शिंदो बिना ठीक है देखो देखो डन मुझे करना तो चले ऑल द टीचर्स प्लीज कम इसको उठा लो टीचर्स के खुद ही ले लो चल सबसे फीडबैक ले लेता एक्सेलेंट डन वर्क बाय आवर शाइनिंग स्टार्स सो कीप इट अप ऑल द चिल्ड्रन डू वेल एक्सेल वेल एंड सक्सेस इन योर लाइफ वंडरफुल एक्सेलेंट गुड मैम सम लाइंस फॉर दिस मोज़ेक क्या बोल रहे हैं एनीथिंग रिगार्डिंग एग्जीबिशन मैम आई डिडंट सी लाइव है ना इट वाज अ वंडरफुल एग्जीबिशन बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया बहुत अच्छा लगा एक्सप्लेनेशंस दी इट वाज वंडरफुल टू अटेंड दिस एग्जीबिशन कांग्रेचुलेशंस टू तुषार सर एंड गौरव सर उन्होंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया Congratulations. Thank you, madam. Same to you, madam. Thank you so much. Ma'am, ma'am, ma'am. हाँ, ma'am. अब तो आ गए यहाँ, तो आ गए यहाँ. बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और बहुत ही मेहनत की इन्होंने और जो उनके जो प्रस्तुत करने का जो तरीका था वो उन्होंने बहुत सुंदर से किया. आगे भी इसी तरीके से करते रहें आप लोग मेहनत करते रहो बहुत अच्छा लगता है और जितने भी टीचर्स हैं सभी के लिए सभी को थैंक यू सब सबने मतलब बहुत अच्छे से किया है थैंक यू सो मच इसको ना कट कर दो इसको कट करो मैम बहुत अच्छा है चुप रहो सर इसको प्लीज काट दो मैम ये तो लाइव है ये लाइव है चला गया मैंने